बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे। और ये है हमारे पास 1 कप सूजी, 1 प्याली, 1 कप आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है, हमने मेजर की हुई है, 4 चमचे मैदा, ठीक है, ये इसमें जाएगा। और 1 चमचा नमक, ये इसमें जाएगा। अब इसको हम तेज़ गर्म पानी से, अब हम इसको नीम गर्म पानी जैसे मैंने मेंशन किया उसके साथ हम इसको घून लेंगे। तो अब हम इसको घून रहे हैं, ये हम इसको घून रहे हैं, ठीक है। अभी देख रहे हैं आपने, जैसे हमने ये घून लिया है तो अब इसके थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स छोड़ेंगे। अच्छा, ध्यान रहे इसके लिए सूजी हमें दाने वाली लेनी होती है ताकि इससे ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इसको ढक के 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि हमारा वो आटा 30 मिनट के लिए हमने रख दिया था जैसे घूम के, तो अब हम जो है ये सारी चीज़ें करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, हम मीठी चटनी बना रहे हैं। पहले हम लेंगे इसको अपने पैन में, ठीक है, गुड़, ठीक है, हमने क्या लिया, ये गुड़ लिया। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये मीठी खजूर। खजूर को हमने छिलका उतार लिया, अगर छिलके वाली है तो उसको उतार लें और गुठलियाँ निकाल लिए, ठीक है, ये साथ इसमें जाएंगी। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे पानी। ये थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे इसके साथ, और उसके साथ इसमें हम मसाला ऐड करेंगे टाइम टू टाइम। हल्के फ्लेम पे इसको बनाएंगे। और ये जो आप मसाले देख रहे थे, इसमें हमने ये जो लिया हुआ है ये चाट मसाला है। चाट मसाला 1 टेबल स्पून है। और ये हमारी जो है सौंठ है। सौंठ जो आपको सूखी हुई अदरक होती है उसको पीस के, अगर नहीं आपके पास पीसी हुई तो पीस सकते हैं आप, पीस के 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून है। और नमक हसबे जायका है। ये तमाम चीज़ें इस स्टेज पर जो हमारी चटनी थी, मैंने आपके सामने जब गुड़ और वो डाला था, खजूर डाली थी, उसके बाद ये फॉर्म जब आपकी आ जाएगी तो इसमें आपने ये तमाम मसाले डाल देने हैं, ये इस तरह से। हमारी चटनी रेडी हो गई है, ये मीठी चटनी देख रहे हैं आप, ये टेक्सचर आ गया इसका, ठीक है। अब इसको बस फ्लेम बंद कर देंगे, ठीक है, और इसको हम निकाल लेंगे। हमने निकाल ली है उसको। अब इसको हम ये करेंगे, ये देखें, ये हमने रख दिया था, अभी हमारा आटा तैयार हो चुका है बिल्कुल, देख लें आप ये आटे की फॉर्म, ठीक है, ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब इसके हम करेंगे छोटे छोटे गोलियाँ, ठीक है, उसकी छोटी छोटी गोलियाँ करने के बाद हम इसको बेल लेंगे। अच्छा, अब हमने इसको देखें बेल लिया है, और अब हम इसके इस स्टेंसिल की मदद से हम इसकी छोटी छोटी गोलियां काट लेंगे, ठीक है। मेरे पास शार्प एजेस वाला नहीं है, तो आप लोग शार्प एजेस यूज वाला यूज कीजिएगा, मेरे पास अभी ये अवेलेबल था तो मैंने ये यूज किया है, ठीक है। ये कर लेने के बाद हम इसको अब पैन में डालेंगे, ठीक है। पहले इसको थोड़ी देर हमने निकाल के, थोड़ी देर हमने इनको खुश्क होने के लिए रहने देना है। ये देखें, ये हमने अब ये बना ली थी, ठीक है। अब हम इसको डाल रहे हैं अपने ऑयल में। ऑयल आपका जो है लो फ्लेम से थोड़ा हाई पे होना चाहिए, और जैसे ही आप डालेंगे, डालते ही इसको चमचे से दबा के रखना है, जितना आप दबाएंगे उसी से ये फूलेगी। इसमें हम इमली का फल वाला पानी डालेंगे, ठीक है, पल्प भी डाल देंगे सारा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, ये हमारे पास मसाले हैं सारे, ये है अजवाइन 1 चमचा, सौंठ 1 चमचा, चाट मसाला 1 चमचा, और ये पिसी लाल मिर्चें 1 चमचा, और नमक जो है हमारा हसबे जायका है इसमें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी,
ये हम पानी तैयार कर रहे हैं गोलगप्पों का। अब इसको बॉईल आने तक के इसको पकाएंगे और उसके बाद इसको छान के हम निकाल के आपको दिखाते हैं। अभी हमारा पानी जो है वो हो गया है बॉईल, बॉईल आने तक के उसको करना, उसके बाद उसको छान लेना। हम छान रहे हैं, छानने के बाद इसको ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर तक। ये हमने पानी बना लिया था इसका, ये पानी है आपके सामने। ये हमारे गोलगप्पे हैं, ठीक है, और ये मीठी चटनी है, प्याज है क्योंकि उबी में कटी हुई, ये हमारा आलू है मैश हुआ हुआ, कुटी लाल मिर्चें मिक्स हुई हैं, और ये सेव है और ये दही है। अब मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। इसकी आवाज़ भी आ गई होगी आपको। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम प्याज अपनी, ठीक है, एक छोटा चमचा बस, इतना इतना इतनी इतनी फिलिंग, ठीक है। आलू, उसके बाद आपकी मीठी चटनी, सेव, सेव की वीडियो भी पहले डली हुई है तो ये घर के बने में पता ही होगा, और दही, और दही पे सबसे आखिर में थोड़ी सी चटनी और मीठी चटनी। अब ये रेडी है, इसमें पानी डालें और खाएं, एंजॉय करें।